हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गाइस, आज के इस ब्लॉग में हम आपको सांभर बनाना सिखाएंगे कि सांभर किस तरह से बनाया जाता है। सांभर बनाने के लिए हमें कुछ सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कद्दू, गाजर, बीन, भिंडी इत्यादि की। हमने इन सब सब्जियों को पहले से काट के रखा हुआ है। अब हम इन सब्जियों को 20 मिनट तक उबालेंगे। साथ में इसमें धोकर बिल्कुल साफ़ सुथरी अरहर की दाल को डालेंगे। हम इसको कुकर में 2 से 3 सीटी तक उबालेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसको उबाल देंगे। हमने सब्जियां और अरहर की दाल को उबालने के लिए रख दिया है। हम अब इसके लिए प्याज और टमाटर की ग्रेवी तैयार करेंगे। हमने प्याज और टमाटर को काट दिया है। अब हम पतीले में तेल डालकर प्याज को धीमी आंच में भुनेंगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, प्याज को जलाना नहीं। हमारे पास तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा मेथी दाना, साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा पिसा हुआ हींग पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम हल्का फ्राई करेंगे। उसके बाद में इसमें टमाटर डालेंगे। प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से पकने दें। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे सांभर मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक को स्वाद अनुसार डालेंगे। इन सब को हम अब प्याज और टमाटर की ग्रेवी में पकने देंगे। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। अब हमारे मसाले पूरी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें जो सब्जियाँ और अरहर की दाल हमने उबाल के रखी थी, अब इसमें उसको डालेंगे। इसके बाद हम इसको 10 से 15 मिनट और हल्की आंच में हिलाते रहेंगे, जिससे कि हमारी जो मसाला ग्रेवी है इसमें अच्छी तरह से मिल सके। आखिर में हम इसमें इमली का पानी डालेंगे। इमली हमने पहले भिगोने के लिए रखी थी। इमली को आप 2 से 3 घंटे पहले हल्के से गर्म पानी में भिगो सकते हैं। हमारा जो सांभर बनाने का प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब सांभर खाने के लिए तैयार है। आप इसको डोसा और इडली के साथ ले सकते हैं। आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसे लगा? इसमें हमने आपको सांभर बनाना सिखाया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको अगला ब्लॉग जल्दी से जल्दी दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।